कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 6.3 की एक थ्योरम और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 6.3 की एक नेमिंग थ्योरम है जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। देखिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी के इक्वल है एंड लैपलास इनवर्स ऑफ जी एस जी ए टी के इक्वल है तो लैपलास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस किसके इक्वल होगा, जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू जी यू के इक्वल। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। देखिए अगर मैं लैपलास ऑफ 0 टू t f ऑफ u g t u माइनस t माइनस u du को f s इंटू जी एस के इक्वल प्रूव कर दूँगी तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है कि यहाँ पे लैपलास इनवर्स ऑफ f ऑफ s इंटू g ऑफ s मुझे किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 टू t f ऑफ u g ऑफ f ऑफ u g ऑफ t माइनस u डी यू के इक्वल। देखिए लैपलास यहाँ पे मैं लैपलास इनवर्स दोनों साइड लगा दे सॉरी लैपलास दोनों साइड ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ। लैपलास और लैपलास इनवर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी लैपलास ऑफ जी टू टी जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी टी यू एफ ऑफ यू टी जी ऑफ टी माइनस यू डी यू किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस के इक्वल। मैं ये क्या करूँगी, टू प्रूव करूँगी। ठीक है, देखिए लेट कर लेते हैं, इसका हमने लैपलास निकालना है तो मैं इसको ध्यान से देखिए, जो इंटीग्रेशन होगा ये विद रिस्पेक्ट टू यू होगा लेकिन लिमिट जीरो टू टी डल के सारा का सारा किसका फंक्शन बनेगा, टी का फंक्शन बनेगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ, फाई ऑफ टी क्या है, जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ लैपलास लगा देती हूँ, लैपलास फाई ऑफ टी किसके इक्वल होगा, लैपलास जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू ये बन जाएगा। लैपलास की डिटरमिनेशन क्या होती है, अगर मैं लैपलास एफ ऑफ टी निकालती हूँ तो वो क्या होता था, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये मैं यहाँ करूँगी डेफिनेशन यूज़ करूँगी। तो लैपलास फाई ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, इनटू में क्या होगा डी टी, ये हमारे पास आ जाएगी। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखिए जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू टी ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू डी टी ये बन जाएगा सॉल्व होके। ठीक है, देखिए अब यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमने निकाल लिया। देखिए आगे देखिए, एक तो चीज़ ये देखिए, देखिए यहाँ पे ना एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू है, अगर मैं टी माइनस यू को इस वेरिएबल को जीरो पुट करूँगी तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ टी और यू का तो एक तो मेरे पास कहाँ से शुरू होगी, टी इज इक्वल टू यू से शुरू होगी। तो हमने इस साइड वाला क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे जो डॉटेड एरिया है ना, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि एक्स की जो टी की वैल्यू है वो तो ज़ीरो से इन्फिनिटी है, टी की वैल्यू तो ज़ीरो से इन्फिनिटी यानी कि पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू है ज़ीरो टू टी। देखिए यू की वैल्यू ज़ीरो तो ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी एंड यू इज़ इक्वल टू टी ये वाली लाइन होगी। तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए, इस साइड वाला एरिया चाहिए, यू इज़ इक्वल टू टी वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जब इस एरिया के अंदर मैं क्या करती हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप्स लेके चलती हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल स्ट्रिप्स मैंने ली हैं, पहले मैं क्या कर रही हूँ इसके अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ एरिया। देखिए ये होगी मेरे पास में टी एक्सिस, ये होगी मेरे पास यू एक्सिस जीरो और टी माइनस यू है तो टी माइनस यू क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी टी इज इक्वल टू यू। टी बड़ा होना चाहिए किससे, यू से। टी बड़ा होगा यू से कब, कोई भी पॉइंट उठा के देख लीजिए कि 10 उठा लेते हैं, 10 टेस्टिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास जो वेरिएबल होते थे, अगर आपको याद हो, जैसे कि मैं लेके चलती थी
फर्स्ट जब मैंने डेफिनेशन लैपलस की डेफिनेशन नहीं लेके चलती थी, देखिए लैपलस एफ ऑफ टी लेके चलती थी, तो एफ ऑफ टी कोई फंक्शन होता था किसका, टी का, एंड टी क्या होता था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता था। तो यहाँ पे जी ऑफ टी माइनस यू है, तो जो ये टी माइनस यू है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, टी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, यू से। तो एरिया कौन सा होगा हमारे पास में, ये वाला एरिया जाएगा, क्योंकि इस एरिया में टी क्या है, यू से बड़ा है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ना वर्टिकल स्ट्रिप्स के अंदर तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ले ली मैंने और उनमें क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल में कोई भी स्ट्रिप ले लेती हूँ, ये उठा लेती हूँ, आर्बिट्ररी कोई भी स्ट्रिप मैंने उठा ली इसके अंदर, ये इतनी पतली है कि एक लाइन को दिखाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस स्ट्रिप के अंदर ध्यान से देखिए, जो हमारे पास में यू है, देखिए जो ये हमारे पास में ये वाली जो चीज़ है वो टी के अलोंग है, ठीक है ना, और ये वाली, और हमारे पास में जो ये यू है, यू कौन सा जाएगा, ऐसे यू ऐसे जा रहा है, और यू किसके अलोंग जा रहा है, जीरो से इन्फिनिटी। तो यू की तो वैल्यू इसके अंदर जीरो से इन्फिनिटी जाएगी, और टी की वैल्यू क्या जाएगी, देखिए टी इस लाइन से शुरू हो रही है, टी की हर वैल्यू, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे ये कोई भी पॉइंट उठा लो, कहाँ से शुरू हो रहा है, टी इज इक्वल टू यू से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए इसके अलोंग अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ये तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी की तरफ जाने लग रहा है, यू की वैल्यू तो जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, लेकिन टी की वैल्यू कहाँ जाएगी, टी इज इक्वल टू यू से, इस यू से शुरू होके, इस लाइन से शुरू होके इन्फिनिटी की तरफ, तो यू टू जीरो टू इन्फिनिटी होगा, टी की वैल्यू यू टू इन्फिनिटी हो जाएगी इस एरिया के अंदर। तो इंटीग्रेशन की लिमिट वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास यहाँ से, तो मैं अगर इंटीग्रेशन करूँ, या फिर मैं कहूँ फॉर कैलकुलेटिंग एरिया, फॉर कैलकुलेटिंग द शेडेड एरिया बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल का स्ट्रिप यूज़ करते हुए अगर मैं कैलकुलेट करूँ एरिया, तो लैपलास फाई ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए जीरो टू इन्फिनिटी है तो यू की लिमिट होगी, यू टू इन्फिनिटी टी की लिमिट होगी, ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, देखिए पहले वाली लिमिट टी टी और लास्ट वाली लिमिट क्या है, डी यू। तो यही लेके चलते थे ना इंटीग्रेशन में, जो पहली लिमिट होती थी वो मतलब दूसरी लिमिट पहले वाले के अकॉर्डिंग, फिर बाद में लास्ट वाले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, डी टी और डी यू को थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ, लैपलास फाई ऑफ टी जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू सॉरी यू टू इन्फिनिटी, ई रेस टू पावर माइनस एस टी, टी माइनस यू है, ई रेस टू पावर एस यू ऐड कर दिया और साथ में सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ई रेस टू पावर जीरो तो वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ जी ऑफ टी माइनस यू डी यू डी टी डी यू, ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जीरो टू इन्फिनिटी, यू टू इन्फिनिटी, ई रेस टू पावर माइनस एस, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, तो क्या बनेगी, टी माइनस यू ई रेस टू पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी डी यू, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस यू एफ यू मैंने बाहर निकाल दिया, ये विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन है, यू से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस सॉरी एस टी माइनस यू और जी ऑफ टी माइनस यू और साथ में क्या है डी यू और साथ में क्या है डी टी सॉरी ये डी टी और ये क्या है डी यू, डी टी ही आएगा यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन के लिमिट यू से इन्फिनिटी है, तो डी टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन होएगा। अगर मैं इसके अंदर लेट कर दूँ क्या कि टी माइनस यू को जेड के इक्वल, ठीक है, तो डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा क्योंकि यू तो उसके लिए कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस माइनस एस यू एफ यू, ये क्या बनेगा, यू से लेके इन्फिनिटी सॉरी जीरो, जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट अगर मैं टी को यू पुट करूँगी जेड क्या बनेगा, जीरो, टी को इन्फिनिटी करूँगी तो जेड क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस जेड जी जेड डी जेड और साथ में क्या हो जाएगा, डी यू। देखिए जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस यू एफ यू, ये क्या बनेगा, लैपलास ऑफ जी ऑफ यू, जी ऑफ टी कह लो जी ऑफ यू कह लो इन टू में डी टी, ये बाहर निकल जाएगा, लैपलास जी ऑफ टी बाहर, अंदर क्या बन गया, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, और ये किसके इक्वल होगा, लैपलास ऑफ जी टी, और इन टू में ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, लैपलास ऑफ एफ एस,
ये बन जाएगा हमारे पास लैपलस ऑफ जी टी किसके इक्वल था, जी ऑफ एस के, यानी लैपलस ऑफ फाई ऑफ टी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस, और वो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस। तो यहाँ से फाई ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैपलस इनवर्स एफ एस इंटू में जी ऑफ एस, और ये किसके इक्वल था, जीरो टू टी हमारे पास में एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू किसके इक्वल आ गया, लैपलस इनवर्स एफ एस इंटू में जी एस इसके इक्वल। देखिए कॉन्वोल्यूशन में किया क्या है, हमने सबसे पहले तो फाई ऑफ टी को जो मुझे ये प्रूव करना था ना कि लैपलस इनवर्स इसके इक्वल होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस इंटीग्रेशन को मैंने फाई ऑफ टी मान लिया, लैपलस अप्लाई कर दिया। लैपलस की डेफिनेशन क्या होता है, इरेस्ट पावर माइनस एस टी एफ टी डेफिनेशन लगा दी, तो इंटीग्रेशन इरेस्ट पावर माइनस एस टी और इंटीग्रेशन हमारे पास फाई ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी, इकट्ठा कर दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, टी से बड़े होते हैं, तो जी के साथ जो टी माइनस यू है वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, टी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो अगर मैं टी इज इक्वल टू लाइन, टी इज इक्वल टू यू लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा, इस साइड वाला आ जाएगा, यही एरिया टी ग्रेटर देन यू को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर देखिए यू की वैल्यू, जब मैं होरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप्स लूँगी तो यू की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी जाएगी, और टी कहाँ से जा रहा है, इस लाइन से इन्फिनिटी की तरफ, और इस लाइन पर क्या है, यू है, तो यू से इन्फिनिटी। तो अब मैंने क्या किया है, बस यहाँ पे लिमिट जो लिमिट्स हैं वो पुट कर दी, कौन कौन सी हो जाएंगी, जीरो से इन्फिनिटी तो यू की, टी यू से इन्फिनिटी टी की। ठीक है, तो इरेस्ट पावर माइनस इरेस्ट पावर एस यू से ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों को कंबाइन करके माइनस एस कॉमन निकाला, तो टी माइनस यू इरेस्ट पावर माइनस एस यू ये हमारे पास एज इट इज़। अब मैंने एफ यू अलग कर दिया, एस माइनस टी माइनस यू की अलग कर दी, टी माइनस यू को जेड लेके लिमिट्स पुट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया, मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लैपलस इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया है हमारे पास। देखिए एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लैपलस इनवर्स एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए लैपलस इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकती हूँ, और ये एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये लैपलस इनवर्स किसका हो जाएगा, कोस ए टी इसी का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये लैपलस इनवर्स किसका हो जाएगा, कोस बी टी, लेकिन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम तो क्या बोलती है, जी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑफ यू बी ऑफ टी माइनस यू डी यू, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो से टी। लैपलस इनवर्स एफ एस इंटू जी एस, एफ एस की वैल्यू कोस ए टी है तो कोस ए यू हो जाएगा, सेकेंड वाले की कोस बी टी है तो कोस बी टी माइनस यू हो जाएगा। टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू से डिवाइड, तो मैंने क्या किया, टू से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, कोस ए यू कोस बी टी माइनस यू डी यू हो जाएगा। टू कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए प्लस बी। टू कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास में प्लस में कोस ए माइनस बी, इसका यूज़ कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, वन बाई टू ज़ीरो टू क्या सॉरी टी आएगा, ज़ीरो टू टी, यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, कोस ऑफ, देखिए ऐड करिए ए यू प्लस बी टी माइनस बी यू, और प्लस में क्या हो जाएगा, कोस ए यू माइनस बी टी प्लस में ए यू सॉरी बी यू यहाँ पे बी सॉरी फॉर स्नीजिंग, और साथ में क्या है, डी ओ कोस ए, पहले तो दोनों को ऐड कर दिया, बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए तो वन बाई टू जीरो टू टी कोस ऑफ, ये क्या बनेगा, ए माइनस बी यू प्लस में क्या हो जाएगी, बी टी। ठीक है, ये बन गया प्लस में कोस, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए प्लस बी यू माइनस में बी टी, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, वन बाई टू साइन ए माइनस बी यू प्लस बी टी, और प्लस अपॉन में क्या हो जाएगी, ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइन
ए प्लस बी यू माइनस बी टी अपॉन में ए प्लस बी, और क्या हो जाएगी जीरो से टी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जीरो से टी जब हम पुट करते हैं, देखिए वन बाई टू, जब मैंने क्या किया टी पुट किया तो क्या बनेगा साइन, देखिए पूरा खोल लेंगे ए टी माइनस बी टी प्लस बी टी, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, अपॉन में क्या है ए माइनस बी, प्लस में साइन ए टी प्लस बी टी माइनस बी टी अपॉन में ए प्लस बी जीरो टू टी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में। ठीक है, तो अब इसको मैं खोल लेती हूँ, जब मैं इसको खोल लूँगी तो क्या बनेगा वन बाय टू साइन ए टी, ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक, सॉरी जीरो पे पुट करेंगे तो जब जीरो पुट करेंगे तो क्या बनेगा साइन बी टी अपॉन में ए माइनस बी साइन बी टी अपॉन में ए प्लस बी, और यहाँ से देखिए ये माइनस है हमारे पास में, क्या हो जाएगा माइनस साइन था ना, तो माइनस एज इट इज, ये हमारे पास में लिमिट पुट करने के बाद की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए साइन ए टी अपॉन में ए माइनस बी, वहाँ क्या बचेगा साइन ए टी अपॉन में ए प्लस बी, यहाँ क्या बनेगा साइन बी टी अपॉन में ए माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस साइन बी टी अपॉन में ए प्लस बी, ये वैल्यू आ जाएगी सोल्व की। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, देखें वन बाय टू साइन ए टी मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बन गया ए माइनस बी प्लस में ए प्लस बी, और यहाँ से माइनस साइन बी टी कॉमन निकाल दिया, वन अपॉन में ए माइनस बी माइनस वन अपॉन में ए प्लस बी, ये बन जाएगा मेरे पास। सॉल्व कर लेते हैं वन बाय टू साइन ए टी, एलसीएम ले लेते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस में ए माइनस बी माइनस में साइन बी टी, यहाँ से क्या हो जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये मेरे पास सोल्व होके आ जाएगी वन बाई टू साइन ए टी एज इट इज़। देखिए यहाँ से बी कैंसिल, वहाँ से ए कैंसिल, तो क्या बनेगा टू ए अपाई में ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और माइनस साइन बी टी क्या बनेगा टू बी अपॉन में ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। सोल्व होके टू बार कॉमन निकाल दीजिए, तो ए साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी अपॉन में ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए क्या किया है इसके अंदर, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया एक एक एस को ए स्केयर प्लस ए स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर से कंबाइन कर दिया, ये क्या बनेगा ये किसका होता है कोस ए टी, ये कोस बी टी, और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या थी कि जीरो टू टी चला जाता है पहला कोस ए एफ यू, तो कोस ए यू हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा कोस बी टी माइनस यू, टू से मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड किया फिर फॉर्मूला लगा दिया और साथ फिर क्या किया है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर ही सकते हो, इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है हिंट मैं आपको दे दूंगी, इंटीग्रेशन आपको खुद करने पड़ेंगे, और कुछ एक जो मुझे लगेगा कि क्वेश्चन थोड़े अलग हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। देखिए नेक्स्ट क्या है एस के एस अपॉन में एस केयर प्लस वन एस केयर प्लस फोर, यहाँ पर ये आपकी मर्जी है, तो आपने ये जो एस है वो किसी के साथ भी कर सकते हो कम्बाइन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि जीरो सॉरी लैप्लास इनवर्स किसका है एस बाय में एस स्केयर प्लस वन एस स्केयर प्लस फोर, किसी के साथ भी आप कंबाइन कर सकते हो यहाँ पे लैप्लास इनवर्स, मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे एस सॉरी वन अपॉन में एस स्केयर प्लस वन इंटू एस अपॉन में एस स्केयर प्लस फोर, मैं इससे कंबाइन कर रही हूँ, ये किसका हमारे पास में लैप्लास इनवर्स है साइन का साइन टी, और ये किसका है कोस टू टी का, तो ये क्या हो जाएगा जीरो टू टी साइन यू, और वो क्या हो जाएगा कोस टी माइनस यू डी यू, अब वही टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू से डिवाइड करेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। इसको एक तरीके से और सॉल्व भी कर सकते हो कि आप लैप्लास इनवर्स एस अपॉन में एस स्केयर प्लस वन और एस स्केयर प्लस फोर को लिख सकते हो लैप्लास इनवर्स एस अपॉन में एस स्केयर प्लस वन वन अपॉन में एस स्केयर प्लस फोर, इससे भी लिख सकते हो। देखिए लैप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्केयर प्लस वन तो किसका हो जाएगा कोस यू, और ये किसका बन जाएगा साइन टी माइनस यू, और साथ में वन बाई टू इसके साथ बाहर आ रहा है तो वन बाई टू जीरो टू टी डी ऑफ यू, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप एस एस स्केयर प्लस वन के साथ सॉरी एस स्केयर प्लस फोर के साथ डाल दो चाहे एस स्केयर प्लस वन के साथ डाल दो, दोनों तरीके में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन लैप्लास इनवर्स वन अपॉन में एस माइनस वन
एस माइनस थ्री। देखिए लैपलास इन्वर्स वन अपॉन में एस माइनस वन, वन अपॉन में एस माइनस थ्री, ये किसका लैपलास इन्वर्स है? इरेज टू पावर टी, तो क्या हो जाएगा? इरेज टू पावर यू। ये किसका? इरेज टू पावर माइन थ्री टी का, तो ये क्या हो जाएगी? इरेज टू पावर थ्री माइनस टी माइनस यू। और इंटीग्रेशन क्या है? जीरो टू टी डी यू। जब इसको खोल लेंगे तो जीरो टू टी इरेज टू पावर थ्री, सॉरी इरेज टू पावर यू, इरेज टू पावर थ्री, इरेज टू पावर माइनस थ्री यू डी यू, इरेज टू पावर थ्री टी तो बाहर हो जाएगा, जीरो टू टी इरेज टू पावर माइनस टू डी यू। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या बनेगा? इरेज टू पावर थ्री टी इरेज टू पावर माइनस टू यू बाई में माइनस टू लिमिट जीरो से टी, तो क्या बनेगी? इरेज टू पावर थ्री टी, यहाँ से माइनस टू बाहर आ जाएगा मेरे पास, इरेज टू पावर टू टी माइनस में वन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट में क्या है मेरे पास, फोर्थ क्वेश्चन में एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन इरेज टू पावर यू, और हमारे पास में साइन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए फोर्थ में क्या था? लैपलास इनवर्स वन अपॉन में एस माइनस वन, सॉरी एस प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन, ये क्या हो जाएगा? लैपलास इनवर्स वन अपॉन में एस प्लस वन इंटू वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जीरो टू टी, ये क्या बनेगा? इरेज टू पावर माइनस यू हो जाएगा, वो क्या बनेगा? साइन, तो क्या हो जाएगा? साइन टी माइनस यू डी यू, इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। फिफ्थ में है लैपलास इनवर्स वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ लैपलास इनवर्स वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी? जीरो टू टी, ये क्या बनेगा? साइन ए यू वन बाय ए, ठीक है, ये करेंगे तो ये क्या होगा? वन बाय ए साइन ए टी माइनस यू डी यू, तो यहाँ से वन बाय ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, जीरो टू टी साइन ए यू साइन ए टी माइनस ए यू, और साथ में क्या है? डी यू है। वही टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड, तो जीरो टू टी टू ए सॉरी टू साइन ए यू साइन ए टी माइनस ए यू, साथ में क्या है? डी यू। टू साइन ए, साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो वन बाय में टू ए स्क्वायर, क्या बनेगा? जीरो टू टी, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी ए यू माइनस में, क्या हो जाएगा? कोस ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू, माइनस में कोस ए यू प्लस में ए टी माइनस ए यू, और साथ में क्या है? डी यू। करो सॉल्व, वन बाय में टू ए स्क्वायर जीरो टू टी, यहाँ से हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा? कोस टू ए यू माइनस ए टी इंटू में डी यू, डी यू तो इकट्ठा ले लेंगे, माइनस में कोस ए यू से ए यू कैंसिल, कोस ए टी डी यू, इंटीग्रेशन आप आगे कर ही सकते हो, इजी है। नेक्स्ट है सिक्स में, वन बाय में एस स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन बाय में एस स्क्वायर एस स्क्वायर, सॉरी मैं कहाँ पे थी, ये फिफ्थ पे रियली सॉरी सिक्स पे आना था, वन बाय में एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन बाय एस का तो वन होगा, एस स्क्वायर प्लस फोर, फोर का क्या हो जाएगा? वन बाय टू साइन टू टी। उसके बाद देखिए वन बाय टू एस प्लस टू का होल स्क्वायर एस माइनस टू, देखिए सिक्स में क्या था? लैपलास इनवर्स वन बाय एस एस स्क्वायर प्लस फोर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो लैपलास इनवर्स वन बाय एस, वन बाय में एस स्क्वायर प्लस फोर, वन बाय एस का तो लैपलास इनवर्स वन होता है, तो जीरो टू टी ये तो वन हो जाएगा, और ये क्या बनेगा मेरे पास में? वन बाय टू साइन टू टी माइनस यू डी यू, तो इंटीग्रेशन करना है सिंपल। देखिए सेवन्थ में क्या है? लैपलास इनवर्स वन बाय में एस प्लस टू का होल स्क्वायर एस माइनस टू, देखिए लैपलास इनवर्स वन बाय में एस प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू में एस माइनस टू, ये हो जाएगा। देखिए इसका होल स्क्वायर है, हमारे पास में शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। देखिए एस प्लस टू किसका होता है? इरेज टू पावर माइनस टू टी, तो इरेज टू पावर माइनस टू यू, और साथ में क्या बचेगा? वन बाय एस स्क्वायर है, वन बाय एस स्क्वायर का क्या होता है हमारे पास में? यू, और ये क्या हो जाएगा? इरेज टू पावर माइनस टू सॉरी इरेज टू पावर टू टी माइनस यू डी यू, और जीरो टू टी। देखिए इसका ना एक बार देख लीजिए, लैपलास इनवर्स वन बाय में एस प्लस टू का होल स्क्वायर,
किसके इक्वल होगा, ई रेस टू पावर माइनस टू टी, मैं बाहर निकाल दूँ तो लैपलेस इनवर्स वन बाय एस स्क्वायर, और लैपलेस इनवर्स वन बाय एस स्क्वायर किसका किसके इक्वल होता है टी के, और ये हमारे पास अगर मैं यू में चेंज करूँगी तो क्या हो जाएगा, टू यू इंटू में यू हो जाएगा। बस इसका लैपलेस इनवर्स शिफ्टिंग थ्योरम से हमने ये सोल्व किया है, तो क्या बनेगी हमारे पास में, जीरो टू टू ई रेस टू पावर माइनस टू यू, सॉरी टू यू यू ई रेस टू पावर माइनस टी टू टी ई रेस टू पावर माइनस टू यू डी यू, तो ई रेस टू पावर टू टी बाहर, जीरो टू टी ई रेस टू पावर माइनस फोर यू इंटू यू डी यू, इंटीग्रेशन आप सोल्व कर ही सकते हो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हो जाएगा आगे। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, लैपलेस इनवर्स वन बाई एस एस प्लस वन का क्यूब, देखिए सेम है तो लैपलेस इनवर्स वन बाई एस इंटू वन बाई एस प्लस वन का क्यूब। अब अगर लैपलेस इनवर्स वन बाई एस प्लस वन का क्यूब निकाल लूँ तो ई रेस टू पावर माइनस टी कॉमन निकल जाएगा, वन बाई में एस क्यूब बचा, और वन बाई एस क्यूब किसके इक्वल होता है, ई रेस टू पावर माइनस टी टी स्क्वेयर बाई टू के इक्वल, क्योंकि लैपलेस इनवर्स वन बाई में एस रेस टू पावर एन प्लस वन होती है, टी रेस टू पावर एन बाई में एन फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा टू के, तो ये चीज़ हमने क्या करनी है यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दी तो वन बाई एस का तो क्या बनेगा वन, और इसका क्या बनेगा हमारे पास, ई रेस टू पावर माइनस टी माइनस यू, टी माइनस यू का होल स्केयर बाई टू डी यू, सॉल्व कर लेंगे इसको आगे, ठीक है। नाइन्थ पे आ जाते हैं, नाइन्थ क्या है, लैपलेस इनवर्स वन बाई में एस स्केयर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, यानी कि लैपलेस इनवर्स वन बाई एस स्केयर, साथ में क्या हो जाएगा वन बाई में एस स्केयर प्लस ए स्केयर, वन बाई एस स्केयर का लैपलेस इनवर्स टी, टी को क्या पुट करेंगे यू, जीरो टू टी, और ये क्या है हमारे पास में साइन, तो वन बाई ए साइन ए टी माइनस यू डी यू, ये हो जाएगा, यानी कि वन बाई ए बाहर, जीरो टू टी साइन ए टी माइनस में ए यू, और साथ में क्या है डी यू। अब हमने क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। टेंथ में देखिए, लैपलेस इनवर्स एस स्केयर अपॉन में एस स्केयर प्लस फोर का होल स्केयर, तोड़ दीजिए लैपलेस इनवर्स एस अपॉन में एस स्केयर प्लस फोर, एस बाय में एस स्केयर प्लस फोर, हमें पता ही है किसका होता है कोस टू टी का, तो जीरो टू टी कोस टू यू कोस टू टी माइनस टू यू क्या हो जाएगा डी यू, टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू से डिवाइड करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। हिंट मैंने आपको दी है, प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा, अगर जो क्वेश्चन नहीं होता है फिर वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका नेक्स्ट में सॉल्यूशन वीडियो डाल दूँगी। वन बाय में एस क्यूब एस स्क्वायर प्लस वन, लैपलेस इनवर्स वन बाय में एस क्यूब वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ से लैपलेस वन बाय एस क्यूब क्या बनेगा यू स्क्वायर बाय में टू फैक्टोरियल, और ये क्या बनेगा साइन हमारे पास में टी माइनस यू डी यू जीरो से टी, तो वन बाय टू बाहर जीरो टू टी यू स्क्वायर साइन टी माइनस यू डी यू, इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लेंगे हम इसको। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है, लैपलेस इनवर्स एस प्लस टू एस स्केयर प्लस फोर एस प्लस फाइव का होल स्केयर, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ लैपलेस इनवर्स एस प्लस टू, देखिए एस स्केयर प्लस फोर एस प्लस फोर अलग कर दिया प्लस वन कर दिया होल स्केयर, ये आ जाएगा, मैंने नीचे भी एस प्लस टू का होल स्केयर बनाना है, तो क्या बनेगा लैपलेस इनवर्स एस प्लस टू का होल स्केयर प्लस वन, और इसका फिर क्या है होल स्केयर। अब मैंने क्या करती हूँ लैपलेस इनवर्स एस प्लस टू अपॉन में एस प्लस टू का स्केयर प्लस वन, और इनटू में वन अपॉन में एस प्लस टू का होल स्केयर प्लस वन हो जाएगा, शिफ्टिंग थ्योरम। ई रेस टू पावर माइनस यू बाहर निकालूंगे, देखिए अब लैपलेस इनवर्स एस प्लस टू अपॉन में एस प्लस वन का होल स्केयर प्लस वन, इसको मैं सोल्व करूँ ई रेस टू पावर माइनस टू टी कॉमन निकाल देंगे, लैपलेस इनवर्स क्या बनेगा एस अपॉन में एस स्केयर प्लस वन, और यहाँ से ई रेस टू पावर माइनस टू टी कोस टी बन जाएगा हमारे पास, और सेम अगर ये लेके चलूँ मैं तो लैपलेस इनवर्स वन अपॉन में एस प्लस टू का होल स्केयर प्लस वन ई रेस टू पावर माइनस टू टी लैपलेस इनवर्स वन बाय में एस स्केयर प्लस वन, और ये किसके इक्वल होगा ई रेस टू पावर माइनस टू टी साइन टी, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से क्या बनेगी जीरो टू टी, देखिए पहला क्या है ई रेस टू पावर माइनस टू यू कोस यू, सेकंड क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस टू टी माइनस यू, और साथ में क्या हो जाएगा साइन यू, और साथ क्या है डी यू। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करने पे क्या आ जाएगी वैल्यू जीरो टू टी ई रेस टू पावर माइनस टू यू कोस यू,
इरेज टू पावर माइनस टू टी इरेज टू पावर टू यू साइन यू डी यू इरेज टू पावर माइनस टू टी बाहर जीरो टू टी यू हमारे पास में एक ही पावर जीरो बन जाएंगी क्या बनेगा कोस यू साइन यू डी यू टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड और फिर सिंपल क्या करना है इंटीग्रेशन करना है वो तो आप कर ही लोगे बाकी कर ही देती हूँ मैं बाई टू तो क्या हो जाएगी मेरे पास जीरो टू टी साइन टू यू डी यू यहाँ से सॉल्व करेंगे वन बाई टू इरेज टू पावर माइनस टू टी साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस टू यू बाई टू जीरो से टी तो कोस जीरो वन कोस टी टू यू तो वन बाई टू इरेज टू पावर माइनस टू टी वन बाई टू माइनस कोस टू टी बाई टू ये हो जाएगी टू बाहर निकाल लीजिए वन बाई फोर इरेज टू पावर माइनस टू टी वन माइनस में कोस टू टी इसको और सोल्व करना चाहो तो किसके को होगा इरेज टू पावर माइनस टू टी साइन स्क्वायर टी यानी कि इरेज टू पावर माइनस टू टी साइन स्क्वायर टी बाई में टू ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है ये है आपका एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट जो भी आपके इश्यूज होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसका सॉल्यूशन डाल सकूं आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि ये हर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है घर पे रह के उन तक पहुँच सके थैंक यू सो मच